मैं हूं कविता राणा। 2019 के आम चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। सभी दलों के नेता लगभग खादी खद्दर वाला कुर्ता झाड़कर मैदान में उतर चुके हैं। वैसे तो ये मानी हुई बात है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, इसलिए चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस या फिर हो सपा बसपा, सभी दल यूपी जीतने के लिए गुणा गणित लगाने में जुट गए हैं। 12 जनवरी को मायावती और अखिलेश ने 25 साल बाद 2019 में जैसे ही साथ उतरने का ऐलान किया, यूपी में बीजेपी वर्सेस गठबंधन के साथ ही मोदी योगी वर्सेस माया अखिलेश की लड़ाई का माहौल भी बनने लग गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई मोदी योगी की जोड़ी अखिलेश माया की नई जोड़ी को टक्कर दे पाएगी। इसे समझने के लिए साल 2017 के यूपी चुनाव और उसके बाद के सियासी उतार चढ़ाव पर नजर डाले तो सियासी हालात कुछ अलग ही नजर आते हैं। ये चुनाव वैसे तो सिर्फ मोदी के नाम पर लड़ा गया था, लेकिन फिर भी माया के साथ ही अखिलेश राहुल की युवा जोड़ी को भी बीजेपी ने मोदी लहर के दम पर मात दे दी थी। इस चुनाव में सपा बसपा दोनों को मिलाकर महज 66 सीटें ही मिली थी, तो वही बीजेपी को अकेले ही 312 सीटें मिली थी। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि चुनाव से पहले सपा बसपा दोनों ने ही जीएसटी और नोटबंदी को जमकर मुद्दा बनाया था, लेकिन फिर भी मात खा गए। वहीं यूपी जीतने के बाद बीजेपी ने सत्ता की कमान फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को दी, जिन्हें कड़क मिजाज वाला मुख्यमंत्री माना जाता है। सत्ता संभालने के महज कुछ ही महीनों में योगी इतने लोकप्रिय हो गए कि खुद पीएम मोदी भी अपनी रैलियों में योगी को लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताते रहे हैं। योगी के सत्ता संभालते ही यूपी में मेयर का चुनाव सामने था। ऐसे में सीएम बनाए गए योगी के सामने कड़ी परीक्षा थी, लेकिन यूपी के 16 बड़े शहरों में हुए मेयर चुनाव में 14 पर बीजेपी को जीत दिलाकर योगी ने ये चुनावी परीक्षा पास की। इस चुनाव में सपा का सफाया हो गया तो वहीं बीएसपी को 2 सीटें ही मिली। इसके बाद गोरखपुर फूलपुर केराना में हुए उपचुनाव में बीजेपी भले ही हार गई हो, लेकिन कट्टर हिंदुत्व की छवि वाले योगी की मांग अन्य चुनावी राज्यों में बढ़ती गई। बीजेपी ने 2017 के बाद अन्य राज्यों में हुए चुनाव के दौरान योगी को स्टार प्रचारक बनाकर भेजा। योगी की ताकत यूपी में वक्त के साथ साथ बढ़ती गई। लखनऊ के गलियारे में योगी फॉर पीएम के पोस्टर तक लगने लगे, जो ये बताने के लिए काफी है कि योगी यूपी चुनाव के बाद प्रदेश के साथ ही देश में भी ताकतवर होकर उभरे हैं। ऐसे में बीजेपी विरोधी पार्टियों के सामने 2014 और 17 चुनाव में जहां सिर्फ मोदी लहर की सिरदर्दी बनी हुई है, तो वहीं 2019 में अब मोदी योगी की जोड़ी विरोधी पार्टियों की परीक्षा लेने को तैयार है। अब देखना यह है कि मोदी योगी की तेज तरार जोड़ी को माया अखिलेश की जोड़ी कैसे टक्कर दे पाती है।